गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम करेंगे मैथ्स की एक और न्यू एक्टिविटी। तो ये आपकी मैथ्स की बुक है क्लास टेंथ की। ऑलराइट, आप देखिए एक्टिविटी नंबर 4, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। मीन्स ये जो एक्टिविटी है उसका नाम क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। कि आपको जितने भी नंबर्स दिए जाते हैं लाइक 1 + 2, ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स हैं, 3 + 4 + 5। तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है कि इन सबको अगर हम प्लस करें तो हमारा आंसर आ जाए? तो जी हाँ, ऐसा फॉर्मूला है और वही फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, बनाना है मैथ्स मैनुअल में, ठीक है। अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आप लास्ट वाला नंबर देख लिया करिए, या फिर ये देख लीजिए इसमें कितने नंबर्स हैं। तो इसमें 5 नंबर्स हैं, तो आपको 5 लिखना होता है और 5 से जस्ट एक ज़्यादा लिखना होता है। मीन्स कितना हो गया, 6, और उसमें आपको 2 से डिवाइड दे देना होता है। तो जब आप 2 से डिवाइड देंगे तो 2 से आपका 6 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। और जब 3 बार कट जाएगा तो 5 3 जो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 15 आ जाएगा। ऑलराइट, ये आपके पास 15 आ चुका है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया 15। अगर आप इसको मैनुअली प्लस करेंगे तो भी आपको 15 ही मिलेगा। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, और 1 15। अब ये जो फॉर्मूला होता है ये बना कैसे, उसके लिए देखते हैं आपको क्या क्या करना है। ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रूव द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स इज। आपको ये प्रूव करना है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एन फिर ब्रैकेट में n+1/2। ये आपका फॉर्मूला है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, अब इसके लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो वाइट शीट ऑफ पेपर, मतलब A4 शीट चाहिए आपको, पेंसिल चाहिए, इरेजर, रूलर एंड कलर्ड पेंसिल, और कुछ आपको कलर्ड पेंसिल्स की नीड होगी। प्रोसीजर, अब इसका प्रोसीजर क्या है वो आप देख लीजिए। एज्यूम दैट, आप ये एज्यूम करिए, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब आप ये मान के चलिए कि आपको जो सम निकालना है ना वो 1 to 7, वो सॉरी 10 नहीं है, 7 है, 1 to 7 नंबर्स तक जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उन सब का आपको सम फाइंड आउट करना है। तो स्टेप 2 इसमें क्या है, लेट अस एज्यूम, आप एज्यूम कर लीजिए कि n इज इक्वल टू कितना है आपके पास, 7, देयरफोर इसलिए n+1 कितना हो जाएगा आपके पास, 8 हो जाएगा। लेट अस ड्रॉ अ ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल नहीं है, आपका रेक्टेंगल है ABCD। आपको एक रेक्टेंगल ABCD ड्रॉ करना है ऑफ डायमेंशंस, कितनी डायमेंशंस का, 7/8 का। 7/8 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आपका 7 और 8 आया, मीन्स आपकी ब्रीथ 7 हो जाएगी और लेंथ आपकी 8 हो जाएगी। आई डैश एन n+1, ये इसका क्या हो गया, एरिया हो जाएगा, क्योंकि लेंथ और ब्रीथ का मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 7 × 8, इट मीन्स n × n+1, तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। इट मीन्स आपको ये पता पड़ जाएगा कितना बड़ा आपको ये ड्रॉ करना है। तो जैसे कि आप फिगर 4.1 देख पा रहे हैं, ये आपका ड्रॉ हो चुका है। 7 सेंटीमीटर आपकी ब्रीथ हो गई और 8 सेंटीमीटर आपकी लेंथ हो गई, और जो छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं वो आपके 1 cm/1 cm के क्रिएट हो गए। ड्रॉ द स्क्वायर्स ऑफ डायमेंशन 1 cm/1 cm इनसाइड द रेक्टेंगल ABCD एज शोन इन फिगर 4.1। अब 4.1 में आपको ये छोटे छोटे स्क्वायर ड्रॉ करने हैं 1 cm/1 cm के। नाउ डू द नंबरिंग ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम 7 to 1। अब इस टाइप से आप नंबरिंग कर लीजिएगा, पहले पे आप 7 लिखेंगे, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आप जब इस टाइप से नंबरिंग करेंगे कर लेंगे तो आपको 4.2 फिगर आपको मिल जाएगा। तो ये देख लीजिए आपका ये 4.2 फिगर है, ठीक है। और जब नीचे नंबरिंग करेंगे तो आप रिवर्स में नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ऑलराइट, अब देखिए स्टेप नंबर 7, कलर द स्क्वायर्स इन ग्रीन कलर एज शोन इन फिगर 4.2। अब जैसे कि इसने ग्रीन कलर बोला है, लेकिन ग्रीन कलर किया तो नहीं है, तो लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ पे जो मेंशन करेंगे, अगर आप ग्रीन कलर मेंशन करेंगे तो आप ग्रीन कलर लिखिएगा, अगर आप रेड कलर मेंशन कर रहे हैं रेड कलर लिखिए, अगर आप ब्लू कलर या लाइट ब्लू कलर मेंशन कर रहे हैं तो आप उसी से फिर उसको कलर कीजिएगा। अब देखिए 8 नंबर, नाउ डू द नंबरिंग ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 7 इन द लास्ट रो एज शोन इन फिगर 4.2। अब लास्ट रो में आप 1 to 7 तक नंबर डाल लेंगे कुछ इस टाइप से, तो हमने 1 to 7 तक नंबर उसमें डाल लिए। कलर द स्क्वायर्स इन ग्रे कलर, अब इसमें आपसे बोला है कि आपको ग्रे कलर से करना है एज शोन इन फिगर 4.2, लेकिन 4.2 में ग्रे कलर से दिखाया तो है नहीं, तो आप अपना ग्रे कलर से करिएगा। ऑलराइट, कैलकुलेशन देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इनसाइड द रेक्टेंगल ABCD। अब पूरा जो आपका ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं ABCD के अंदर, तो देखिए इधर आपके कितने हो गए, 7, और इधर आपके कितने हो गए, 8। तो 7 8 जो कितना हो जाएगा आपका, 56, और 8 कैसे आया, 7+1 से।
टोटल नंबर ऑफ ग्रीन कलर्ड स्क्वायर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, ग्रीन कलर के स्क्वायर कितने हो गए, 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, टोटल नंबर ऑफ ग्रे कलर्ड स्क्वायर्स, अब आपके ग्रे कलर के स्क्वायर कितने हो गए आपके पास, 1 हो गया, फिर 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 एंड एट लास्ट 7, तो टोटल नंबर ऑफ कलर्ड स्क्वायर्स इनसाइड रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के अंदर कलर्ड स्क्वायर कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ग्रीन स्क्वायर प्लस टोटल नंबर ऑफ ग्रे स्क्वायर्स। तो आप देखिए इस टाइप से जब आप प्लस करके लिख लेंगे, अब आप पहली वाली स्टेप को ओपन कर लीजिए, मतलब सीधा कर लीजिए, 7 प्लस 6 प्लस 5 लिखा है तो आप इसको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस टाइप से लिख लीजिए। अब आपका ये दो बार आ गया ना, ये नंबर पूरे एक सीरीज रही, ये भी पूरी एक सीरीज रही, तो अगर x प्लस x होता है तो कितना होता है, 2x होता है, ऐसे ये नंबर्स प्लस ये नंबर्स हो जाएंगे तो 2 लग जाएगा ना आगे, तो आपका ये 2 लग गया। टोटल नंबर ऑफ कलर्ड स्क्वायर्स इनसाइड द रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इनसाइड रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वेशन 1। इक्वेटिंग द वैल्यूज ऑफ एल एच एस एंड आर एच एस इन इक्वेशन 1, अभी आप इसको इक्वेटिंग कर लीजिए, इक्वल इक्वल कर लीजिए, वी गेट, तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, और आपने जो मेंशन करा था अभी कलर जो लिखा था आपने वो आप लिख देंगे, ये आप इसको ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, यहाँ पे आपकी लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पे ये किसके बराबर है, 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1, तो लेफ्ट साइड से जो 2 था उसको आप डिवाइड में पहुँचा दीजिए, ये इक्वेशन 2 आपकी बन गई। सिंस एन इज इक्वल टू 7, सब्सटीट्यूट एन इज इक्वल टू 7 इन आर एच एस ऑफ इक्वेशन 2, therefore 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2, ये आपको क्या मिल गया, इक्वेशन 3 मिल गई। फॉर क्रॉस वेरीफिकेशन पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3, आपको क्रॉस वेरीफाई करना हो तो आप क्या करेंगे, n की जगह 7 पुट करके देख लीजिए, तो आपको कितना मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n n प्लस 1 ओवर 2, इस टाइप से आपको फाइनली ये फॉर्मूला आपका क्रिएट हो गया। अगर आप कोई और एग्जांपल लेना चाहते हैं n की जगह तो कुछ और ले लीजिए, जैसे कि n इज इक्वल टू आप 4 ले लीजिए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आएगा, पहले तो आप इसको मैनुअली प्लस कर लीजिए, तो 4 5 6 7 8 9 10 आ गया। अब इसको फॉर्मूले से प्लस करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई n प्लस 1 मतलब 5 अपॉन 2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार और 5 2 जा 10, तो देखिए आपको सेम आंसर्स मिल गए ना, इट मीन्स आपका फॉर्मूला एकदम सही है। यहाँ पे आपकी एक्टिविटी फिनिश होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। ऑलराइट, थैंक यू।